लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये भाग्यनगर है, यहाँ की बहुत सारी कहानियां और कविताएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। राजाओं के द्वारा राज्य चलता था, धीरे धीरे गरीब लोग भी राजाओं की तरह शौक पालने लगे। यहां पर अमीर लोगों का मोहल्ला है और गरीब लोगों के रहने की एक झुग्गी झोपड़ी भी है। भाग्यमती ने अपने प्यार के लिए इस भाग्यनगर को बसाकर अपने प्यार को एक बहुत बड़ा मुकाम दिया था। यहां पर राजाओं के दिल की धड़कन, नवाबों का प्यार, पहाड़ों के पत्थरों पर उनकी गूंज अब भी सुनाई देती है और लोग इसे महसूस भी कर सकते हैं। यहां सिर्फ चार मीनार के आसपास ही नहीं, झुग्गी झोपड़ी में भी प्यार की कहानी मिल जाती है। हम ऐसी ही एक कहानी पर बात करेंगे जो झुग्गी झोपड़ी से निकलकर अपने प्यार को पाने के लिए महलों तक पहुंच गया और समुद्र की तरह ताकतवर बनकर समुद्र की लहरों की तरह शहर की आपाधापी में घुस गया। मगर कैसे, आइए देखते हैं। एरिया का सीआई हो, मेरा नाम गंगाराम है। अभी इनकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन बहुत क्रिटिकल है। एक जख्म पेट में है, किडनी के पास दो जख्म है, खून बहुत बह चुका है। इंक्वायरी के लिए और कितना टाइम लगेगा? होश आते ही इन्फॉर्म करूंगा सर। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर इसमें कॉल करना है,
फोन भी है सर। इस लड़की के घर वालों को इन्फॉर्म किया है क्या? क्या हुआ मेरी बेटी को? हे भगवान, श्री शाह, मेरी बच्ची। इस बात में कुछ भी प्रूफ नहीं मिला है। बोल रहे हैं सर। हे भगवान, क्या हुआ मेरी बेटी को साहब? क्या हुआ मेरी बच्ची को? इस फोटो में जो दिख रही है वो तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है साहब ये। और इसके बगल में कौन है? इसी के प्यार में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मेरी बच्ची ने साहब। वो कहाँ रहता है? हमारे एरिया में एक भंगार की दुकान में काम करता है साहब। मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए घर आया था, मैंने मना कर दिया, इसीलिए इसने ऐसा किया है साहब। उसे पुलिस स्टेशन लेकर क्या? सर यही पर सर। मुझे देख के भाग क्यों रहा था? मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। हरी कौन है? मैं नहीं हूँ सर। अबे सीधा सीधा बोल। भाग गया सर। हरी भाग गया सर। वही समय सिटी पार कर गया होगा। ठीक है, तुम लोग पुलिस स्टेशन आओ। तुम्हारी शर्ट पे खून लगा हुआ, किसी को मार कर आया हो क्या? मैं सोने को भी नहीं मिलता है। ये सीआई कैसे हैं? जब देखो तब ड्यूटी दे देते हैं। ये क्या है? ये खून तो इस बाथरूम से आ रहा है। ए, और अंदर भारो। ए, और अंदर भारो। ये खून कैसा है? बता क्या कर रहा था अंदर तू? ये खून कहां से आ रहा है? बता जल्दी। आजकल के बच्चे कितने बिगड़ गए हैं। प्यार प्यार करके पीछे पड़ते हैं, मना किया तो चाकू मार देते हैं, नहीं तो एसिड फेंक देते हैं। फैशन हो गया ये आजकल। सख्त कानून के बाद भी कोई नहीं डरता है आजकल। इन लोगों को तो ऐसे छोड़ना ही नहीं चाहिए, स्पॉट पर ही एनकाउंटर कर देना चाहिए। सीआई को तो आप जानते ही होंगे ना सर, छोटे पिट पॉकेट में ही वो पिस्टल यूज करता है, तो ऐसे कैसे केस को छोड़ेगा? इसे मेरे केबिन के अंदर लेके आओ। ए, चल बे। क्या नाम है तेरा? हरिकृष्णा है सर। काम क्या करता है? मेन रोड के बाजू में स्क्रैप शॉप में काम करता हूँ। कितने सालों से वहाँ काम कर रहा है? एक साल से वहाँ काम कर रहा हूँ सर। गांव कौन सा है? जोड़ारम सर। वो कहाँ है? श्रीकाकुलम के बाजू में है सर। उतनी दूर से यहाँ क्यों आए? ए, चोरों के जैसा क्या देख रहा है? जो कुछ भी है साफ साफ बता, समझा ना? मैं 2 साल का था तब मेरे माँ बाप गुजर गए सर। बोलने के लिए रिश्तेदार और करने के लिए खेती कुछ भी नहीं है सर। मेरा कोई नहीं है, मैं लावारिश हूँ। जीने का रास्ता ढूंढ ढूंढ कर गांव से आकर इस शहर में कदम रखा। इस शहर ने कई लोगों की जिंदगी बनाई है, मुझे भी रास्ता दिखाएगा ऐसी उम्मीद करके मैं यहाँ आ गया सर। मेरे इस भंगार की दुकान की हमेशा रक्षा करना भगवान। कौन है बे तू? घोड़े बेचकर मेरी दुकान पे सोया है? चलो उठ रहे, आस पास सब जगह छोड़कर मेरी दुकान मिली है तुझे सोने के लिए। चलो उठ रहे। कौन है रे तू? ये लोग कौन है? रात को दीवार फांद कर सामान उठाकर भाग रहे थे, मैंने इनको पकड़ लिया। अबे गधे लोग, मेरी दुकान में रोज चोरी होती थी, मैं सोचता था मेरे ही लोग चोरी करते हैं, असली चोर तुम लोग हो। चोर चोर कहीं के
इन लोगों को देखकर डर नहीं लगा तुम्हें? लगा, इसलिए तुमने पकड़ कर रखा है सर। जिंदगी का रास्ता भगवान ने दिखाया और चलने का रास्ता तो धरती ने दिखाया। भाई दिखने में तो तू बहुत मासूम लग रहा है, ऊपर से तू मेरे ही गांव वाला है, मेरे ही पास काम कर, आ जा मेरे साथ। ठीक है मालिक। मैं गांव में रह के बिगड़ जाऊंगा, इसीलिए मेरे माँ बाप ने मुझे शहर भेजा, लेकिन मैं इस कचरे में काम करके पूरा कचरा बन गया हूँ। हाँ यार, परसों मेरे पापा ने मुझे फोन किया था, क्या कर रहे हो ऐसे मुझसे पूछा। मैंने बोला स्क्रैप करता हूँ, ये सुनके वो बहुत खुश हो गए। अगर वो स्क्रैप का मतलब समझ गए तो वो मुझे सीधा ऊपर ही भेज देते। क्या भाई, अभी तक अपना मालिक क्यों नहीं आया? अगर मालिक आया ना तो उसे स्क्रैप में मिलाकर किलो के भाव बेचूंगा मैं। वो खुद ही पुराना सामान खरीदता है, उससे कौन खरीदेगा बे? क्या बच्चा लोग, क्या सुबह सुबह मीटिंग हो रही है? क्या मालिक बड़ा रहा है बे? हाँ? पता है लड़का कौन है? मेरे गांव का है, बहुत अच्छा लड़का है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है। आज के बाद ये भी तुम लोगों के साथ ही रहेगा, साथ काम करना, ठीक है? एक तो टाइम पे पगार नहीं मिलता, ऊपर से ये आ गया। क्या बड़बड़ा रहा है बे? अरे वैसा कुछ नहीं है मालिक, ये कमीने कुछ ज्यादा ही दखरे करते हैं, संभल के रहना है। इलाके में अपने ही लोग रहते हैं ऐसा सुना था, लेकिन मुझे दिल मिलने वाले लोग मिल गए। जान को आगे रख के जान को दांव में लगाने वाले दिलदार लोगों से मेरी दोस्ती हुई। चांद जैसे मुखड़े पे ये मेरे बाल लगते। अबे अबे हटना, ए सामने से हट। अरे तेरे लिए डिब्बे पाउडर में कुछ नहीं होगा, तेरे लिए 10 डिब्बे लगेंगे। ए चल बे पतले। ए कहाँ जा रहे हो ऐसे तैयार होकर? आज मालिक हमारी पगार देने वाला है, हर रोज तो हम लोग इसी भंगार में रहते हैं, आज कहीं घूम के आते हैं, चला जा। मुसीबत दुख सुख हंसी आंसू हम सब लोग मिलकर बांट लेते थे एक साथ। अच्छा हुआ आप आगे मालिक, हम आपका ही वेट कर रहे थे। जल्दी से पैसे निकालिए, हम जाकर बाहर एंजॉय करेंगे मालिक। अच्छा। ये ले, ये तेरी पगार मालिक। अरे ले ले, उठ उठ। हे हरी, क्या है ये सब? ये मेरे लिए पगार नहीं है मालिक, एक अनाथ को दी हुई एक जिंदगी है, और इस तरह मैं स्क्रैप शॉप में काम पर लग गया सर। बाहर क्या लफड़ा हो रहा है? जाकर बहुत बुरा किया है, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, समझते हो आपको? ए वेंकट, वहाँ क्या लफड़ा चल रहा है? सबको यहाँ से भेज दो। इन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है साहब, एक बार मेरे हवाले कर दो साहब, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इन्हें भेजने के लिए बोला ना। चलो निकले यहाँ से। अरे ऐसा थोड़ा होता है सर, वो इन्फॉर्मर बहुत पका रहा है सर, उसे लेकर आओ। तेरा नाम क्या है? सिप्पी सर। सिप्पी, पूरा नाम बता। पूरा नाम सिंगारेड्डी पिचैया सर, और प्यार से लोग मुझे सिप्पी बोलते हैं सर। हाँ तो सिंगारेड्डी पिचैया। सिप्पी सर, सिप्पी। वो याराना दल कहाँ है ये बता। वो दल क्या है सर? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, तो याराना दल का इन्फॉर्मर है, अच्छे से जानता हूँ मैं। मुझे अपने गाँव का ट्रांसफार्मर पता नहीं है, जंगल में किसी दल का मैं इन्फॉर्मर कैसे हो सकता हूँ सर? क्यों मार रहे हैं सर आप मुझे? रूल के हिसाब से तो मार नहीं सकते सर। सर मुझे किसी ऐसे दल के बारे में कुछ पता नहीं है, विश्वास कीजिए सर प्लीज। तो फिर रात को उस टाइम पे कहाँ जा रहा था? रात को बिना बीवी को बोले दूसरे सेटअप के पास जाता हूँ सर। अरे बाप रे, तेरा पहला सेटअप है या नहीं? दूसरा सेटअप है तो पहला सेटअप जरूर होगा ना। अब क्या हुआ? बोल बे। ऐसे ही जा रहा था सर, मुझे बंदूक दिखा कर यहाँ पे लाकर लॉक पे डाल दिया सर। सर उस केस का क्या हुआ? इंक्वायरी कर रहा हूँ सर। ए इसे लेके अंदर जाके डाल दो। यस सर। कोई करता है बोलना। वो श्रीसा है सर, मैंने उससे प्यार किया था, मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी ठीक से बिता रहा था, अचानक से मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया, भगवान की फुर्सत में बनाई हुई लड़की मेरी आंखों के सामने आई। ये क्या हो रहा है वहाँ पर? सब चिल्लम चाली, ये बैलून वगैरह क्या है? वो सब लोग मिलके लव करते होंगे भाई, चलो देखते हैं। जन्म ली है तेरे लिए।
लिए? अरे भाई तेरे लिए है, इस बात की क्या गारंटी है? बोल। ऐसा कुछ भी मत बोल, कुछ अच्छा नहीं बोल सकता क्या? उस लड़की की आंखों की चमक ने मेरी जिंदगी का अंधेरा दूर कर दिया। उसकी मुस्कुराहट गुलाब के फूल के कांटे की तरह मेरे अंदर छुप गई। हाँ क्या हुआ, गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे हो क्या? वो जरूर आएगी, वेट करने का मजा ही कुछ और होता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू, सेम टू यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। भाषण देना बंद कर और बीयर पी के सो जा यार। Happy Valentine's Day। Hey, अरे कब तक देखेगा उस फूल को? तेरी नजर तो उसमें से हटी नहीं रही है। Hey, उस लड़की ने सिर्फ तुझे ही फूल नहीं दिया है, पार्क में रहने वाले सभी को दिया है। सो जा यार, कुछ ज्यादा ही फील कर रहा तू। Hey, तू क्या लेट के यहाँ वहाँ पलटी मार रहा है? Hey, तू इसको पकड़, मैं इसको दिखाता हूँ। अरे चलो उठ, जल्दी से उठ। तुझे क्या हुआ भाई, ऐसे हिल क्यों रहा है? मैं ऐसे ही हूँ, जब दारू नहीं पीता तो मैं सीधा रहता हूँ और पीने के बाद खिलाड़ी बन जाता हूँ, समझा? मेरी बात छोड़, तू ये क्या फूल को ही घूरता रहेगा कि सोएगा भी? वो फ्लावर वाले की याद आ रही है। फ्लावर की? कौन से फ्लावर की? मेरी पहचान में बहुत सारे फ्लावर वाले हैं, तू बोल मैं पूरी की पूरी माला ला दूंगा। वो फ्लावर नहीं, आज जो पार्क में देखी उसकी बात कर रहा हूँ। ओ ऐसा क्या, समझ गया। जब लड़की आंखों में आंखें डालकर देखती है ना तो कोई भी आदमी फिसल जाता है मेरे भाई। क्या बोल रहा है? देख यार, तू मेरी बात का ना बुरा मत मानना, हम लोग बियर की बोतल बेचने वाले हैं, बीएमडब्ल्यू के बारे में क्यों सोच रहा है? देख, इंग्लिश बोलने वालों का हिंदी बोलने वालों से कोई मैच नहीं हो सकता यार, तू उसके बारे में मत सोच, मेरी बात मान और उस लड़की को तू भूल दे। लगता तू उल्टी करने वाला है। चुपचाप सो गया, फिर मैं आऊं? हाँ आजा आजा, बिस्तर में घुस जा अंदर आके। अरे अरे अगर तू ऐसे ही ब्रेक मारेगा तो ये पूरा ऑटो ही पलट जाएगा, चल उतर। ये क्या भाई, गेट पे बोर्ड लगा हुआ है, बी वेयर ऑफ डॉग। घर में कुत्ता तो होता नहीं है, फालतू में लगा के रखते हैं। है तेरी जगह कचरे में है। गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। गुड मॉर्निंग, कैसी है मेरी बच्ची? अच्छी हूँ। ये लीजिए। सुनिए जी, क्या चाहिए तुम लोगों को? सिक्योरिटी चाहिए? मैं ही सिक्योरिटी हूँ। उस घर का सिक्योरिटी नहीं, इस घर का सिक्योरिटी। इस घर का सिक्योरिटी मैं ही हूँ। स्क्रैप ऐसा कहा था, वही लेने के लिए आए हैं। स्क्रैप कहा? मेरे साथ आओ। उस तरफ नहीं, इस तरफ। ये पुराना वाला है, हम इस तरफ से जाते हैं तो उस तरफ से। मेरी किस्मत ने बोर्ड हटा दिया, अगर कुत्ता रहेगा तो संभल कर रहना मोटू। ए लक्ष्मी, ठीक से सफाई कर, पगार तो लेती है ना, फिर सफाई कर। ए जया, तू उस तरफ जा, वहाँ पे साफ कर, तू इधर आ। क्यों भाई, यही ओनर है क्या? नहीं, नौकरानी है। ऑनर के लड़के लोग अमेरिका रहते हैं, ये तो यहाँ पर बूढ़ों का ख्याल रखती है बस। ये काम करने वाली इतना भाव खा रही है? ये काम करने वाली नहीं, घर वाली लग रही है। अरे बिना मतलब का बोर्ड उठा दिया, ये है ना? ए, कौन है ये सब लोग? भंगार वाले हैं मैडम। ठीक है ठीक है, सामान ठीक से गिन के उठाना, मैं आकर फिर से चेक करूंगी। ठीक है, चलो 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 चलो। भाई आज तो काफी वाला है यहाँ ऐसी। इतना बियर का बॉटल पड़ा है, उसको देख कर लगता है कि उसने सारी पी होगी। अरे बूंदों को मिलाऊंगा तो रात का एक बियर हो जाएगा। ए, ये तो वही फ्लावर देने वाली लड़की है। पक्का वही लड़की है ना? पक्का। तो फिर ये सब छोड़ो, मेरे साथ आ जाओ। चल चल। ए क्या है? Shut up! सीटी मार के बुलाता हूँ, देखती हूँ तुझे। Come here! आ रही हूँ, रुक जा। Shut up!
ऊपर जो लड़की है उससे मेरा दोस्त प्यार करता है, समझ में आया ना? मेरा दोस्त तुम्हारी मालिक की लड़की से प्यार करता है, कुछ दिनों में यहाँ का दामाद बन जाएगा, इसीलिए तुम्हें इसकी खातिरदारी अच्छे से करनी चाहिए। जाकर एक बढ़िया सा जूस लाओ, ओनली एप्पल। क्या चाहिए तुझे? मम्मी। भाई हमें रे, देखा क्या, काम वाली को माँ बोल के बुलाती है, कितनी बड़ी दिल वाली है। तो क्या हो गया, माँ को तो माँ ही कहेगी ना। इसका मतलब तुम उसकी माँ हो? बाहर निकलो मेरे घर से। मैंने बेड नहीं पहना है, कहीं मेरी पैंट नीचे ना उतर जाए यार। क्या है यार, चिल्ला रहे रे तेरी तो। अच्छा तो यहाँ आओ। नहीं आंटी, छोड़ो आंटी, रुक जाओ आंटी, ऐसा मत करो। मेरी बेटी को अपनी लवर बनाएगा, इसे तो ठीक करो। दोबारा भी करूंगा, छोड़ दो। तुझे कुछ नहीं हो रहा है क्या? अरे तू इतना खामोश कैसे है? मुझे भी जलन हो रही है, देख नीचे हवा खा रहा हूँ यार। बॉडी जल रही है, जल रही है। तेरी तो कूलर लगा रखा है पीछे। सब्जी में मिर्ची पाउडर ज्यादा होती थी तो माँ कह के बुलाता था। होली त्योहार के जैसा रंग पूरे शरीर में लगा दिया, पूरे शरीर में जलन हो रही है। भाई ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे, बहुत पिटाई हुई आज। अरे ऐसी छोटी मोटी बात पर भला कोई डरता है क्या? अबे ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, मौत को अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं हम। भाई तुम लोग कुछ भी बोलो, पहले लगा था कि वो अपने रेंज की नहीं है, पर अभी तो वो अपने ही रेंज की है। उस लड़की से अपना प्यार तो फिक्स है। उस लड़की से प्यार करना फिक्स है, याद रखना। अरे भाई उस लड़की के बारे में पता लगाया है मैंने, नाम है श्रीशा, गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर सेकेंडरी में पढ़ती है वो। रोज अपनी दुकान के सामने से आती जाती है वो कॉलेज, पहले से ही उस लड़की के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। ये है उसका ये लाइट हाउस। क्या हुआ? ताड़ की पेड़ जितना लंबा हो गया है तू, फिर भी तुझमें अकल नहीं है। तूने कहा था कि तू डिटेल्स निकालेगा, कहाँ है डिटेल? उसकी एक माँ है जो बहुत डेंजरस है, उसके दो मामा है जो बहुत बड़े गुंडे हैं, ये सारी बातें तूने नहीं बताई। तुझे पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ है, तू लकी है जो बच गया उस दिन। ए तुम लोग डरो मत, मैं 3 दिन का टाइम लेता हूँ, उस लड़की को कैसे भी करके लाइन में लाऊंगा। शर्ट लगाए क्या? हाँ शर्ट लगाते हैं, बोल क्या लगाएगा। 5 बिरयानी बोनलेस। उसकी माँ को पता चल गया तो बॉडी की बोन नहीं बचेगी। ए लाइट हाउस, कल से तेरा मैकेनिक शॉप ही हम लोग का अड्डा होगा। बस लड़कियों को देखते ही स्टाइल मारने लगता है। हे हरी, लड़कियाँ क्रिकेट से पढ़ती हैं, कैरम से नहीं। हे तेरा फालतू बकवास छोड़कर ये बता कि वो लड़की आएगी कि नहीं। अबे सुन, अगर लड़की के मामा है तो मुझे बता देना। हाँ हाँ बोल दूंगा, पहले चाय तो बोल। भैया वो देखो, 4 कप चाय चाहिए तो कितने स्टाइल से मांग रहा है। कौन है भाई ये लोग? हाँ? अपनी दुकान के आगे हाँ? दुकान लगा रखा है, कहीं मेरी बीवी को लाइन तो नहीं मार रहा है? भैया अपनी भाभी को देखो, उन लोग का चांस कहाँ है। डिक्की में चाय डाल दूंगा, याद रखना, पनौती कहेगा। चल जा दे, जा जा दीदी बेटा।
चाय चाय गरम चाय ये लो क्या भैया नई दुकान खोली है क्या शर्त जीतने के लिए दुकान खोलना जरूरी नहीं है लड़की पटाने के लिए सब करना पड़ता है ठीक है अब चाय के पैसे दो पैसा क्या जाके खाते में लिख ले कौन से खाते लड़की में? के पट्टे ही तेरा पैसा चुका देंगे नहीं पटी तो लड़की के दो मामा है वो दोनों चुका देंगे अब तू यहाँ से जा चाय पीने के तो पैसे नहीं ऊपर से लाइन मारेंगे लड़की पटाएंगे यार ये पैसा दिया उन लोगों ने नहीं भैया खाते में लिखने को बोला उन लोगों ने ठीक है तेरे खाते में लिख लूंगा हाँ वो देख तेरी वाली आ गई भाभी आ गई अरे इतनी जल्दी भी क्या है भाई पहले देखना बातें करना गाना गाना फाइट करना अरे बाप रे अभी बहुत कुछ बाकी मतलब है। लड़की तेरे को देखेगी जरूर देखेगी चाहो तो तुम ही देख लो तूने शर्त 3 महीने के लिए नहीं 3 दिन के लिए लगाई है याद रखना इस बात को ए, चुप कर मेरे प्लान के बारे में मुझे पता है अब तू देख अरे अभी तो चाय भेजा था मैंने अरे वो सीटी बजाई थी ना ये हम लोगों के लिए नहीं है क्यों रे देखा क्या उस लड़की ने देखा मुझे कहाँ देखा भाई अभी तो देखा था ना यार मुझे तो नहीं लग रहा भाई हे ए, तुम लोग शर्त वापस लेने के लिए नाटक कर रहे हो ना मैं समझ गया सब ए, आगे, आगे तो तुम भी साथ में आ जाओ ना बदतमीज कहीं के अरे जाना अरे मैडम बदतमीजों के भी दिल होते हैं देख भाई लड़की को फॉलो कर रहे तो सिर्फ उस बॉर्डर तक उस बॉर्डर के बाहर गए ना तो मिर्ची मिलेगी डब्बे भर के मतलब वो बॉर्डर कोई पार नहीं कर सकता मतलब तू आ मेरे साथ ए, 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 हाँ छोड़ हाँ छोड़ हम लोग अभी तो नहीं है मिलते हैं भाई गाड़ियों पे ब्रेक नहीं है चलो सर लड़की कहाँ है अगर वो लड़की आएगी तो मुझे सिग्नल दे सिग्नल दूंगा अरे मैं जिंदा रहूंगा तब ना सिग्नल दूंगा अरे सुन दो अरे हरी रुक जा यार अरे हरी रुक जा अरे बाप रे कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर हे वो आ रही है क्या नहीं आ रही है भाई ठीक से देखना अरे बाप रे उसके मामा आ रहे हैं भाई अगर मुझे देख लिया तो मेरी चटनी बना देगा मैं तो छुप जाता हूँ बाप रे कहाँ पहुंची है भगवान इस बार ये मिर्ची पाउडर मुझे ना देखे बस तो फिर मैं आपके मंदिर में आके टकला हो जाऊंगा अरे बाप रे ये तो अपनी पैंट की चेन खोल रहा है क्या कर रहा है ये अरे बाप रे इसकी तो आ रही है क्या तेरी तो अब ठीक से देखना सॉरी गलती okay, हो गई okay, गलती okay. हो गई आई लव यू बोलने के बजाय टक्कर मार दी उसकी माँ को पता चल गया ना तुम्हारी जान ले लेगी मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से सॉरी गलती से हो गया अब तुम ठीक तो हो ना सॉरी आराम से ये
तुम्हारा बैग, संभल कर जाना, किसी और गाड़ी से मत टकराना। ओके, खुद ही टक्कर मार रहा है और मुझे संभल कर जाने को कह रहा है, पागल। भागो यहाँ से। अच्छा हुआ उसके बाबा ने मुझे नहीं देखा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अरे बाप रे, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। मैंने चुप हो जा, नहीं मारी। मैं हूँ। अबे तू है, हाथ रख। कोई लड़की से प्यार करता है तो उस लड़की के लिए अपनी जान दे देता है, लड़की की जान नहीं लेता। ये बता, लड़की जिंदा है की मर गई? चुप कर तू। मैं उस लड़की की जान निकालने के लिए नहीं टकराया था, वो हमेशा मुझे याद रखे इसलिए टकराया था। वो लड़की याद रखेगी या नहीं ये तो पता नहीं, लड़की की माँ को पता चलेगा ना तो पुत्रा जरूर कचूमर बना देगी। ए छी, चुप, हमेशा डरते रहते हो। उस लड़की को टक्कर मारने के बाद सॉरी कहा, वो भी कोई बात नहीं बोलकर चली गई। वो बेचारी है, वो तेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती है। चल गाड़ी स्टार्ट कर, यहाँ से निकल लेते हैं, कहीं उसका मामा आ गया ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चल चल, डरपोक कहीं का। अबे चल चल। नमस्ते भाई। क्यों रे हरी, लड़की दिखी क्या? अभी तक नहीं आई। अबे सुबह से लेकर शाम हो गई, वो लड़की अभी तक नहीं आई, अब आएगी भी नहीं। चल यहाँ से चलते हैं। चलेगी पर तुझे देखा नहीं यार उसने। अरे वो मुझे कब का देख चुकी है, चाहे तो तू खुद देख ले। वो खिड़की के पास आएगी, बारिश रुकी है या नहीं ये देखेगी और मुझे देखकर भी अनदेखा कर देगी। ए, वो लड़की यार, फिर से ठोकने का सोच तो नहीं रहा ना? उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, इस बार ठोकेगा ना तो पूरी पब्लिक आके मारेगी तेरे को। अबे हरी, उसके मामा लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं। क्या बात है, कैसा है, क्या बात है, सब लोग यही हो? अबे पीछे उसके मामा लोग आ रहे हैं, मेरे में हिम्मत नहीं उसके पास जाने की, तेरे में हिम्मत है क्या भाई? जीते रहो। अरे मेरी बात सुन भाई। तो तुमने मेरी गाड़ी ठोकी थी ना, अभी कैसी हो? अच्छी हो ना? हॉस्पिटल गई थी क्या? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम जरा हाथ दिखाओ। अरे बाप रे, एक्सरे स्कैनिंग कुछ करवाया क्या? पता है तुम्हारी याद में मैं रात भर सोया नहीं। ये तो मुझे भाव ही नहीं दे रही है, ऐसे जा रही है। ये मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? हेलो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे सुनो सुनो। हाँ ठीक है। क्या तुम भी बात भी नहीं कर रही हो? अरे इतना क्या भाव खा रही हो, कुछ तो बोलो। अबे गाड़ी स्टार्ट कर वरना तेरा काम हो गया, भाग लो। कितनी बदबू आ रही है, लगता है एक हफ्ते का कचरा है। क्यों आंटी, कचरा वाला आया नहीं था क्या जो मेरे ऊपर फेंक दिया? अरे बाप रे, अरे बाप रे, उसका मामा।
लड़की नहीं दिख रही है, तुझे उसे छोड़ना होगा, समझ गया ना? ए, वो पक्का आएगी यार। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो यार? थोड़ी बहुत उम्मीद तो रखना चाहिए ना यार, तो देखना वो जरूर आएगी। अरे यार ये तो मुझे ही देख रही है। अरे हाँ ठीक है, नहीं नहीं मैं कहाँ देख रही हूँ, दिख रही है यार। देखना यार वो मुझे देख रही है, देख रही है यार, अभी तो देख रही थी। क्या कहा? ऐसा क्यों कर रही है? झूठ क्यों बोल रही है? तो चुप नहीं रह सकती क्या? तूने भी अपनी आंखें कहाँ बंद रखी हैं? मुझे पता है तू उसे देख रही है। मुझे भी सब कुछ पता है। अरे चुप रहो ना, मैं नहीं देख रही। कहा ना मैंने बात? अरे विट्ठल भाई, भाई पांच चाय बोला था ना मैंने, क्या भाई भाव ही नहीं दे रहे हो आप तो। अरे आपके लिए तो हम यहाँ आए हैं। कितनी देर हो गई भाई चाय मांग के? एहसास, दया, करुणा ये सब कुछ नहीं है क्या भाई? ऐसे कैसे चलेगा भाई? क्या यार इतना जोर जोर से बोल रहा है भाई? एक बार हमारी तरफ भी तो देखो भाई। क्या बात है, आज भाई करके बुला रहा है ये? आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? लड़की को बुला रहा है आपको नहीं? ए, क्या देखा यार? अबे ए, हाथी वो तेरे बारे में बात नहीं कर रहा है, सुबह जो हुआ उसके बारे में। ए, सुबह से सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। देखा नहीं देखा नहीं देखा? अरे नहीं देखा तो क्या नहीं देखा बता ना। अबे वो नहीं देखी तो हमको बियर मिलेगा ना। ए, अभी बहुत टाइम बाकी है, बियर मैं पिलाऊंगा कि तुम लोग पिलाओगे देख लेंगे। कितना भी टाइम ले ले वो तुझे नहीं देखेगी, तू बस बियर के लिए पैसे रेडी रख। लड़के के बारे में सोचना शुरू क्या किया? पहले पिंपल आ गया। हर कुत्ता मुझे ही देख के भौंकता रहता है। उसका पति पीकर गटर में गिर गया, वो किसी को नहीं दिखता है। क्या मम्मी हमेशा चिल्लाती रहती हो? जिसका पति नहीं होता है ना उसे ये मोहल्ले वाले बुरी नजर से देखते ही रहते हैं। इन लोगों के बीच जीने के लिए सीखना ही पड़ता है सब कुछ। और ये क्या आईने के सामने बैठ के बाल बना रही है, कॉलेज नहीं जा रही है? चल जल्दी से तैयार हो और कॉलेज जा, हमेशा बड़बड़ाती रहती हो। अबे आज लास्ट डे है, अगर लड़की ने नहीं देखा ना तो समझ ले तुझे बियर पिलाना ही पड़ेगा। अबे कहाँ गया ये? शायद बियर लेने गया होगा। ओ हाँ। अबे तू नीचे चुप कर क्यों बैठ गया? कहीं उसके मामा की मिर्चा के बारे में तो नहीं सोचकर? बात वो नहीं है कि वो लड़की देखती है, जब हम देखते हैं तब वो नहीं देखती, जब हम नहीं देखते तब वो देखती है। अब वो लड़की मुझे देखती है या नहीं ये पता लगाने के लिए मुझे नहीं दिखना चाहिए, तब वो मुझे ढूंढेगी। ऐसा है क्या भाई? दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई तुझे ढूंढ रही है वो, उसका अड्डा तो यही है, देख रही है भाई। भाई कंफर्म है भाई, वो तुझे ही ढूंढ रही है। अरे तेरे बोलने से क्या होता है, मुझे तो पहले से पता है, अच्छी तरह से पता है। अबे जा रही है, अबे जा रही है वो, रोज तो यही दिखता है। हरी करके चिल्ला। अबे तू यहाँ पर है तो फिर मैं तेरा नाम क्यों लूं? बोल ना, हरी बोल, हरी बोल के चिल्ला। लेकिन तू तो यही पर है ना। अरे बोल ना, वो लड़की चली गई। अरे बोल ना, हरी। पकड़ इसे, पकड़ दे। अरे पकड़, ये भी पकड़। कहाँ गिरा? थोड़ा लेफ्ट 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 लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट। अरे अब अरे थोड़ा राइट जाओ। कहाँ गया? जैसा बोलता हूँ वैसा करो, ऐसे ही हाथ ऊपर करके। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ऐसे ही हाथ ऊपर करो। लेफ्ट थोड़ा और लेफ्ट, थोड़ा और लेफ्ट। हाँ ए, दिमाग नहीं है क्या मोटी कहीं की? जो बोलता हूँ समझ में नहीं आता, कब से नौटंकी कर रही है? बेशरम, मुझे देखता है शर्म नहीं आती तुझे? ये
अबे ओ डू डू तू वहां से गिरा कैसे बे? उस तरफ देख रहा था तो उसने मुझे चला के मारा यार। उसने घड़े से मारा क्या? मुझे कैसे पता? तुझे पड़ी ना, मुझे भी पड़ी थी। हेलो अबे हरी, अरे आ गई आ गई। नहीं है क्यों? परसों स्क्रैप लेकर आए थे ना, उसके पैसे नहीं दिए। मम्मी ने कहा है कि पैसे लेकर आ। मालिक नहीं है, बाहर गया है। तुम कल आओगी क्या? हाँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या जो मैं रोज यहाँ आऊँ? चाहे कितनी भी देर हो जाए मैं दो पैसे लेकर जाऊंगी। लड़की तेरे लिए ही है यार, उसे देख के लग नहीं रहा है क्या? भाई एकदम करेक्ट टाइम है, अभी तो मालिक भी नहीं आए। हम लोग अंदर किसी को भी नहीं आने देंगे, तू डायरेक्ट जाकर उससे बात कर जा। अरे वो ठीक नहीं होगा भाई। अबे ऐसी बातें समझ जाया कर, मैं कह रहा हूँ कि जाके उस लड़की से आई लव यू बोल दे। मुझे डर लग रहा है यार। अबे भूल गया क्या, डर के आगे ही जीत है। तो जाके बोल दूं क्या? जाके आई लव यू बोल दे। चल ठीक है। क्या चाहिए? क्या था? वो चाहिए। वो क्या होता है? वो चाहिए। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है क्या? अगर कुछ होता तो अच्छा होता। ओहो हाँ वो ही चाहिए, वो चाहिए। ठीक, लेके जाओ। कितनी बदबू आ रही है। तेरी तो, तुझे यही मिला था क्या? कचरा पट्टी कहीं का। यहाँ क्या कर रहे हो काम धंधा छोड़ के? लड़की कौन है बे? अरे बापे अब क्या करूँ, क्या करूँ? क्यों बेटी, कौन हो तुम? वो क्या है मालिक, ये आपके लिए आई है? वो इनकी माँ को ना स्क्रैप के पैसे देने थे, इसीलिए यहाँ पर आई है मालिक। तो मैंने पेटीएम में डाल दिया था, तुमने देखा नहीं क्या? ओ पेटीएम पर पे किया था आपने? मेरी मम्मी शायद भूल गई, बताया ही नहीं। थैंक्स थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। बाप रे आजकल के बच्चों को कुछ पता नहीं है, जाओ काम करो जाओ। हमारे प्यार में पूरी दुनिया को भूलकर हमारी दुनिया में बस हम दोनों ही हैं। मैं उसके लिए, वो मेरे लिए। अच्छी है तेरी लव स्टोरी, बहुत अच्छी है। बड़ी बड़ी फिल्मों में भी इतनी अच्छी कहानी नहीं आई होगी जो तेरे साथ हुआ। ये सिफी ने दिमाग खराब कर रखा है। इस इन्फॉर्मर ने कुछ बताया क्या? सर ये कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन इसके बैग में कुछ तो है सर। आखिर क्या रखा है उस बैग में? एक बार उसे इधर ले क्या? ए, बैग दिखा। नहीं सर, नहीं दूंगा सर। राजेश बैग ले इससे। नौटंकी मत कर, ये मेरी इज्जत का सवाल है सर। ओपन मत करना सर, प्लीज सर, आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे
अरे बाप रे बाप, क्यों बे इतना सारा पैकेट क्यों बैग में रखा है? सर एक एक अलग अलग खरीदने में बहुत पैसा लगता है सर, ऑफर था इसलिए पूरा थोक में खरीद लिया मैंने। रमेश उसे लेके आओ। अच्छा चलो ठीक है, तुम उसके पीछे पड़े, उससे प्यार भी किए, उसे लेके भाग जाओगे ये भी कहा, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन असल बात क्या है ये तो बताओ। बस यही सब बात है सर। हे, तेरे जैसे लड़के पुलिस और लड़कियों से झूठ बोलते हैं, मैंने लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। चल रहे। ये कौन है? रात को वो लड़की इसी के ऑटो में ट्रेवल कर रही थी, जो हादसा हुआ उसका ये मेजर विटनेस है सर। तेरा नाम क्या है? नजीर साहब। रात को क्या हुआ था? सर पहली बार मैं अपनी आंखों के सामने एक मर्डर देखा सर। उस दिन की रात को मेरी पहली ग्राहक थी, मैं अपना ऑटो लेकर जा रहा था तभी वो लड़की भागते हुए मेरे पास आई। लड़की है इसलिए उसे ऑटो में बैठने दिया, कहाँ जाना है ये पूछा तो उसने बस स्टैंड बताया, इतने में ये कहाँ से आ गया पता नहीं सर। मेरे अलावा तो किसी और को। उस लड़की को चाकू से मार कर भाग गया सर। ये सर ये सब झूठ बोल रहा है सर। आंखों के सामने मारा था इसने सर। यही मुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे मार डालूंगा। नजीर से हम सारी डिटेल्स बताओ और घर चले जाओ। ठीक है साहब। जरूरत होगी तो फिर बुलाऊंगा, समझ गए? छोड़ दो मुझे, ये झूठ बोल रहा है। उस दिन क्या हुआ था मैं बताऊं क्या? तूने रात को उसे रूम में बुलाया, उसका इस्तेमाल करना चाहा होगा, वो नहीं मानी इसलिए तूने उसे मार दिया है ना? क्या बोल रहे हो सर? मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं अपनी श्रीसा को क्यों मारूंगा? वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। इसके लाओ से। श्रीशा, 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 श्रीशा। क्यों गंगाराम, वो मान गया? मान जाएगा सर, मैं मना लूंगा। ओके कैरी ऑन। हे एक चाय बोल। ठीक है सर। श्रीशा,
श्रीशा, श्रीशा, श्रीशा। सर क्या हुआ? रात को जहां मर्डर हुआ था उसी स्पॉट पे ये पर्स मिला है सर। ये राहुल कौन है, उसे ले क्या? सर आपको पता है वो कौन है? मेयर राजेश्वरी का बेटा है सर। मेयर राजेश्वरी देवी का बेटा? चल हाथ। नहीं किया मम्मी। दरवाजा खोलो। मैडम सीआई को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चल हट। तू क्या और तेरा पावर क्या? किसे पूछकर इसे लॉकअप में बंद किया है? लैंड माइन पे पैर रखा है तूने। बॉडी ब्लास्ट हो जाए इससे पहले इसे बाहर निकाल। एक्सक्यूज मी मैडम, उसे मैंने ही अंदर डाला है। शाबाश। क्या बात है, क्या ईमानदारी दिखाई है तूने, क्या ईमानदारी, कितने मिले हैं तुझे? चुपचाप सब कुछ बता दो, एक्स पार्टी से कितने पैसे खाए हैं? मैडम आप चढ़ाट कितना लिया है और तेरा भाव क्या है? एक्स पार्टी से कितना खाया है सब बता मुझे। 1 लाख 2 लाख 3 लाख चाहे जितना भी हो मैं तुझे खरीद कर रहा हूँ। चढ़ाट ऑपोजिशन में भी मेरे लिए काम करने वाले लोग हैं। सीबीआई ऑफिस में अगर एक बार कंप्लेन कर दी कि तूने रिश्वत ली है तो सोच तेरा क्या हाल होगा। तेरे ऊपर जो ऑफिसर्स हैं वो यही बातें कर रहे हैं कि तुझे कैसे सस्पेंड किया जाए, कैसे नौकरी से बाहर निकाला जाए। सोच तेरा क्या हो सकता है। ए, चल निकाल उसे। चल चल जल्दी बोल। बाकी की जो बातें हैं मेरा लॉयर आकर तुझसे यहाँ पे कर लेगा। ए, तुझे तो सिर्फ एनकाउंटर करना आता है ना, लेकिन मुझसे पूछ कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की जाती है। चल हाथ। मैडम आपके बेटे ने नशे में एक्सीडेंट किया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। तुम सब ने देखा है क्या? कुछ लोगों ने देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ओपोजिशन वालों की चाल है मेरे बेटे को फंसाने के लिए और कुछ। ये आप किस आधार पर कह सकती हैं? जिन लोगों ने देखा है उन्होंने किस आधार पर ये बात कही है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इस एक्सीडेंट से मेरे बेटे का या मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और हमने उसका लाइसेंस दे दिया है। मेरा बेटा बेगुनाह है। इस देखिए आप टीवी वाले एक ही बात को घुमा घुमा कर 100 बार बोलते रहते हैं। अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप उसे रिपीट करके दिखाते रहेंगे। क्वेश्चन वेंकट उसे लेकर आ। ओके सर। ऐसे क्यों देख रहा है मैं? क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे आगे दिखाएगा? मारा मारा चल मार। क्यों बे, राहुल को जानता है क्या? मेयर राजेश्वरी देवी का बेटा राहुल जानता क्या? बोल। जानता हूँ। इतने दिनों से कहां थी तुम? उस दिन देखा था लेकिन मिस हो गई थी।
तुझे मैं कहां कहां ढूंढ रहा हूं पता है? आज जाकर मिली तू। आजा आजा, come on, कार में बैठ जा। ए, कौन हो तुम? आप उन चलते चलते बात करते हैं ना। क्या है? तेरा क्या है? तेरा दोस्त है क्या? Oh, hi, I'm Rahul. Son of Mayor Rajeshwari Devi. Hi, I am Harikrishna, care of कचरे का दुकान. कितने दिनों से इसे जानते हो? Valentine's Day के दिन से. ऐसा क्या? आपुन भी उस दिन फर्स्ट टाइम ही देखा था। एए, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। दोनों एक ही बार एक ही लड़की को देखा है। लगता है अपुन मिस हो गया। क्यों, सही बोला ना? मैं फिक्स हो गया। तू बुरा ना माने तो अपुन इससे एक बात कहना चाहता है। हाँ बोल। I love you। अब अगर तू बुरा ना माने तो उस लड़की से एक बात बुलवाऊंगा। ओके। इधर आ श्रीसा। I love Hari। समझ में आया? अब तुम अपनी कार में जाओ और हम अपनी साइकिल पर जाएंगे। हरी चलो। क्या आ गई? जॉगिंग और वॉकिंग के नाम से बाहर घूमती रहती है। घर के काम भी तो कर लिया कर। घर के काम के लिए आप हो ना मम्मी? अच्छा, तेरे ससुराल में तेरे काम करने के लिए मैं आऊंगी क्या? जा जल्दी जाकर नहाकर तैयार हो जा, कॉलेज भी तो जाना है ना। चल। ओफो, जा रही हूँ ना। टच किया इसलिए एंजॉय करूंगा। आखिर कैसे इंसान हो तुम? लड़की का नहाते हुए वीडियो बनाते हो? सुन, तू पूरा कपड़ा पहनकर मुझे दिखती है ना तो मेरा बॉडी बॉयलर जैसा हीट होता है। तो फिर बिना कपड़ों के कैसे लगेगी? ये देखने का मन किया तो वो तेरा कमर के अलावा और आंखों के सिवा। इडियट स्टूपिड शिट। तेरे को नहीं छोड़ेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू एक बार हाँ बोल, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। तू तो जानवर से भी बदतर है। सही कहा, उसे मारने से बात सुनता है, लेकिन तुम मुझे जितना मारोगी उतना मैं तेरे पीछे पड़ूंगा। छोड़ मुझे, जाने दे। मेरे प्रपोजल के बारे में तूने क्या सोचा मेरी जान? पूछ कर कोई फायदा नहीं। पूछूंगा नहीं, मैं खुद ही ले लूंगा। दरवाजे पर कोई है? छोड़, बाद में बात करेंगे। कहाँ? यहाँ नहीं। फिर किधर? हाँ बोलो। ए, फिल्म देखने चलोगी क्या? नहीं, मेरी क्लास है। वैसे तुम रोज क्लास जाती हो, एक दिन नहीं जाओगी तो कुछ नहीं होगा। आ जाओ। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें आना ही होगा। ठीक है, आती हूँ। अबे टैंकर जल्दी करना। बापरे, आज तो कितने दिनों के बाद सिनेमा दिखाने ले जा रहा है।
ये क्या, मुझे तो कॉफी के लिए भी नहीं पूछा और उसके साथ फिल्म देखने जा रही हो। दिस इज चीटिंग यार। असल में तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक बार तुम मेरे साथ सोएगी क्या? ए, ये क्या बकवास कर रहा है? स्वीट क्रीम। वो आ गई यार। आ रही है भाई, वो आ रही है। आ, 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 तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिल्म का टाइम हो गया, चले क्या? मुझे फिल्म नहीं देखनी। क्यों? मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ? कहा ना नहीं है। अरे लेकिन क्या हुआ? बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ श्री? पता है उसने क्या कहा? किसने? वही राहुल। क्या कहा उसने? क्या कहा? रहने दो। क्या कहा बोलो तो। कहा ना रहने दो। कुछ तो कहा करके बोले ना, तो बताओ ना क्या हुआ। हाय बॉस। क्या यार, अपसेट हो गई हो ऐसा लग रहा है, इतनी छोटी सी बात पर। श्री को क्या कहा तूने? तू इतना सेंसिटिव रहेगा तो कैसे चलेगा यार। क्या बोला? सोएगी क्या? मेरे साथ सोने के लिए कहा, शादी के लिए बोलूंगा तो ये गलत बात है, लेकिन ऐसा बोलूंगा तो इसमें गलत क्या है? ओ, गुस्सा आ रहा है, मारोगे क्या? मर्डर करोगे? क्या करोगे? ए, चक्कर आ रहा है, ए, नीचे उतार। वो आ गई यार। वो आ रही है, आ रही है। ए, आओ आओ, तुम्हें ही मैसेज करने की सोच रहा था, इतने में तुम आ गई। क्यों, आज फ्री हो क्या? चलो बाहर चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं बहुत बिजी हूँ, उस बंगले पर जाना है। कौन सा बंगला? जिस बंगले पर तुम बंगला लेने आए थे ना, वहीं। आज मेरी मम्मी गांव जा रही है, इसलिए मुझे जाकर अंकल आंटी को संभालना है। पूरी रात मैं वहीं अकेली रहूंगी, पता है? तो क्या? मैं बस यही बोलने आई थी कि कल सुबह तक मैं वहाँ अकेली रहूंगी, तो तुमसे मैं मिल नहीं पाऊंगी। ओह ऐसा है क्या, ठीक है। अरे कालिया सुन जरा, वो गोनी का लोड भरकर वहाँ से सनत नगर जाकर उधर से हम लोग अपने शॉप पर वापस आते हैं, ठीक है ना? चुप करो, उन्हीं से बातें किए जा रहे हो, मैं भी तो यहाँ खड़ी हूँ ना। ठीक है रहने दो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। अच्छा सुनो, मैं ना वहाँ अकेली रहूंगी, लेकिन एक एक घंटे बाद। ये मत कहना कि तुम्हें देखना है, तुमसे मिलना है, क्योंकि मैं तो वहीं रहूंगी, और वो भी मैं वहाँ अकेली रहूंगी, तो मुझे बुलाना मत। मैं वहाँ अकेली रहूंगी, अंकल आंटी सो जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अकेली रहूंगी, समझ गए ना? क्या बोल रही है ये? ए हरी, तू नहा के निकल जा। कहाँ जाऊँ? अबे और कहाँ पर, उसके बंगले में। अरे जाना यार। अरे भाई तेरा दिमाग खराब है क्या? वो लड़की आने के लिए मना कर रही है और तू कह रहा है कि चला जा। अबे लड़की नाना करती रहती है, ना का मतलब हाँ होता है, समझा? शेर बाहर आ गया है, अगर हम पिंजरे में गए ना भाई तो जान हमारी ही जाएगी। बात मान, बोरिया बिस्तर बांध ले, आखिरी बस तो निकल गई है, कल सुबह की बस से तू निकल जाना।
अरे तुम्हारे अलग भी बोलने से पहले ही उसने हमें आधा घंटा दौड़ा के मारा था। नहीं यार चलो चलते हैं। सच में भाई अगर उसकी माँ अभी तक नहीं आई तो फिर वो चाकू या फिर मिर्च पाउडर लेकर आती ही होगी। वो यहाँ किसी भी वक्त आ जाएगी। चल यहाँ से निकल चलते हैं यार। चलते हैं भाई। अबे कमीने लोग अंदर अंदर तुम लोग ऐसी कहानी भी कर रहे हो। रुको बताता हूँ सबको। अरे इस गेटअप में अपन कैसे दिख रहे हैं? मस्त एकदम नेता की तरह दिख रहे हैं भाई। ये रामराज की धोती है, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो वो कोई बीमारी से गुजर रहा है और आप उसकी धोती लेकर आ गए मालिक। ए, अपनी दुकान के बाजू वाला HIV रामराज नहीं, ब्रांडेड रामराज, समझा? वो सब छोड़िए मालिक, लेकिन हम कहां जा रहे हैं ये आपने अभी तक नहीं बोला। बोलूंगा, चल तो। ठीक है बोलते रहो आप। देखिए मालिक बात करते करते हम इंडिया से पाकिस्तान के बॉर्डर में आ गए हैं, आगे कोई डेंजर तो नहीं होगा ना? कल रात तुम लोग जो बातचीत कर रहे थे सब सुन लिए मैंने। हरी की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी। चल चल उसकी माँ से बात करते हैं। नहीं मालिक, उसकी माँ से बात करना और शेर के मुँह में हाथ डालना दोनों एक समान है मालिक। फिर भी आप जाएंगे मालिक? तेरा ये चाचा जो है ना किसी को चुटकी में मना लेता है, उसकी माँ को भी पटा लूंगा मैं। जाते वक्त धोती में जा रहे हो, आते वक्त कैसे आओगे पता नहीं। चलो देखते हैं कि आपके नसीब में लिखा है। लड़की तो बहुत खूबसूरत है। अरे रे, ये यहाँ क्यों आया? ये सबको क्यों लेकर आया है? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ बेटी? मैं तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ। प्लीज चले जाइए, माँ वैसे भी हरी पर बहुत नाराज है। श्रीशा, श्रीशा, हाँ मम्मी बुला रही है, प्लीज चले जाइए। प्लीज कहाँ चली गई? श्रीशा छोटी हूँ, चले जाइए प्लीज। कहाँ चली गई श्रीशा? ओपनिंग इतनी खराब है, एंडिंग पता नहीं कैसी होगी। कौन हो तुम लोग? नमस्ते जी, मेरा नाम है प्रसाद। यहाँ पास के भंगार की दुकान मेरी ही है, ये सारे बच्चे मेरे पास काम करते हैं। आपसे कुछ बात करनी है, अंदर आ सकता हूँ? जरूरत नहीं है, यहीं बोलो। ए, वो साड़ी ला, नारियल और केला दे, फूल भी रख दे। इस लड़के का नाम हरी कृष्णा है, बहुत अच्छा लड़का है ये, और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप बड़े लोग मान जाएं तो हम इसकी शादी करवा दें, क्या कहती हैं आप? कैसा बोला मैंने? ऊपर क्या देख रहा है? दीजिए मालिक। क्यों बे? तेरे आत्मा मेरे घर आकर मेरी बेटी का हाथ मांगता है? शादी करवाना चाहता है तू? मैं मर गई हूँ क्या? इसकी शादी मैं करवाऊँ क्या? ये क्या तरीका है आपका? थोड़ी इंसानियत नहीं है क्या आपके अंदर? अभी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तू इधर आ और इनसे के यहाँ से निकल जाए। हाँ क्या कर रही है? तेरी वजह से हुआ। इधर आ, वो इनसे यहाँ से चले जा। इस उम्र में कॉलेज जाना चाहिए तो इनके साथ प्यार के बोल खिला दिए। तुझे तो मैं ठीक करके रहूंगी। प्यार चाहिए तुझे? हाँ शादी। मालिक मालिक आप कुछ कीजिए ना। कैसी माँ है आप? अरे जवान लड़की को आप ऐसे मार रही हैं, ये कोई तरीका है क्या? नहीं मैं तो तुझे मारूंगा। मालिक 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 ए भाई ये वही लड़का है, छोड़ ना मत इसे। श्रीशा दोबारा उसका नाम लिया तो काट के फेंक दूंगा तुझे। श्रीशा तो इतनी हिम्मत हो गई है तेरी? श्रीशा एक बार फिर से बोल। श्रीशा 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 घर पर
तुमने हा? अगर आईंदा मेरे घर पर आए ना तो माँ नहीं मैं तुम्हें मारूंगी, समझ गए? जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कभी मत आना, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, जाओ यहाँ से, जाओ, तुम्हारा कभी अपना चेहरा मत दिखाना, जाओ। ए, तू अंदर चल, जाओ। मसा कर रही है इधर बाहर, चल अंदर। आईंदा आसपास दिखा दो, काट के फेंक दूंगा तुझे। इसीलिए पैदा किया था तुझे, उसके प्यार में पड़ेगी तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अच्छे से अच्छे लड़के मिलेंगे तुझे। हटा, हाथ हटा। आइंदा अगर श्रीशा पर हाथ उठाया तो मार डालूंगा। ए! 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 रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, रोना मत, मैं हूं ना तुम्हारा हरि है। श्रीशा ऐसा कभी नहीं कर सकती हरी, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, घर वालों से छुपकर प्यार करती हैं और उनको पता चलने के बाद सिर्फ उनकी ही बात मानती हैं। हरी, हम लोगों ने हर जगह ढूंढ लिया है यार, वो कहीं भी नहीं मिली। उसकी माँ बहुत समझदार है, उसे कहीं छुपा के रखा होगा उसने। एक आइडिया है। क्या आइडिया बे? पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं। पर वो क्यों? श्रीशा को उसकी माँ ने किडनैप किया है। मर मोटे, मर, 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 एक तो उसकी माँ बहुत खतरनाक है। ये सब छोड़ो यार, एक पूरा दिन उसके घर के पास इंतजार करते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर मिलेगा, क्या बोलते हो? ठीक है यार, ठीक है। इसे फॉलो करें तो श्रीशा कहाँ है हमें पता चल जाएगा।
तुम्हें भूलना तो इस जिंदगी में नहीं होगा श्रीशा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ श्रीशा, तुम्हें भूल नहीं पा रहा। सही होगा, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। चलो भाग जाते हैं हरी, भाग जाते हैं। जैसा मैं बोलूंगा वैसा करोगी क्या? मैं सब समझ गई, अब देखो मेरी एक्टिंग। मामा जी, मामा जी, मामा जी। अरे बाप रे, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? सुपर। मामा जी, यहाँ तक कैसे आया भाई? आप रुक जाइए मामा जी, इसकी इतनी हिम्मत कि यहाँ तक आ गया। अब आप देखिए मामा जी, मेरी बात सुनो, तुम्हारा और मेरा संबंध आज के बाद नहीं रहा। तुम अगर दोबारा यहाँ आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरे लिए मेरी माँ जरूरी है, वो जो भी कहेंगी मैं वही करूँगी। तुम दोबारा यहाँ आए तो ठीक नहीं होगा, जाओ यहाँ से, जाओ। तुझे मैं अपनी शक्ल क्यों दिखाऊं? तू कोई इंसान है क्या? मैंने तुझसे प्यार किया था ना, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा वो समझ गए। अपनी बात पर अड़ी रहेगी ना? हाँ अड़ी रहूंगी, तुम जाओ। आइंदा से अगर तूने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मैं अपनी शक्ल क्यों दिखाऊंगी, जाओ। और अगर फोन किया ना तो फिर देख लेना। मैं फोन नहीं करने वाली, चलो जाओ। तू जाना, चलो आ जाओ। चल जा, 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 जा। अच्छे तो पोस्टमार्टम करके लोग होते हैं। मालिक ये लीजिए, आपके पसंद वाला ब्रांड है। मोटू ये ले बिरयानी, इसमें लेग पीस मटन सब कुछ है यार। चलो एंजॉय करो। बियर खोलना यार। चीयर्स। ऐसे कैसे पिए जा रहे? ये तो एक सांस में ही पी रहा है। अरे एक बार ना पी ले। ए, ऐसा क्या मुंह बनाए हुए, पियो ना यार। उस दिन में तू यहाँ से निकल जाएगा, फिर कब मिलेगा पता नहीं। अबे इतना हंस क्यों रहा है तू? नहीं तो क्या, तुम लोगों के जैसे रोते बैठूं? यार हम लोग इतने दिनों से साथ में थे, तुझे बुरा नहीं लग रहा है क्या? बुरा बिल्कुल भी नहीं, अब मेरी श्रीशा आने वाली है, वो और मैं मिलकर खुश रहेंगे। अभी अपना लेवल अलग है भाई, पता है क्या? हम? तुम लोग बस कचरा उठाओ, ऐसे ही रहोगे। रोलो रोलो रोलो, छोड़ो। अरे मारो, अरे बस कर यार, अरे बस कर, अरे हो गया, गलती हो गई। ये क्यों मालिक? जीने के जैसे प्यार नहीं बेटा, पैसे भी चाहिए होते हैं। पुलिस जीप को आते देखकर मैं डर कर भाग गया सर। उन लोगों से बचकर मैं बस स्टैंड पहुंचा और शीशा को ढूंढने लगा, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। तब मैं थककर सो गया सर।
उठकर देखा तो आसपास पूरी पब्लिक थी। मैं घबराकर बाथरूम में गया और खून को साफ कर रहा था सर, तब आपका पुलिस वाला मुझे उठाकर यहाँ ले आया। बस यही सब हुआ था, मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया सर। श्रीशा मेरी जान है सर, प्लीज सर कैसे भी करके श्रीशा को बचा लीजिए सर, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, आप उसे बचा लीजिए सर, बहुत मेहरबानी होगी सर। सर उस दिन का इंसिडेंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ सर। रिकॉर्ड हुआ नहीं या किसी ने कलाकांडी की है? ऐसा कौन किया होगा सर? और कौन, अपने ही लोग, इतना टैलेंट तो अपने ही लोगों के पास होगा ना। चल आदर्श बैंक। I love you बोला तो तूने नो बोला, साथ रहने को बोला तब भी तूने नो बोला, एक रात के लिए ही आजा उसे भी नहीं मानी तूने, अभी तू उस स्क्रैप के साथ भागकर जा रही है, ये देखकर मैं चुपचाप रहूंगा क्या? मैं पागल हूँ? कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ मैं, आज के बाद वो आउट होगा और तू इधर आउट होगी। रुको, ये सारी चीजें मुझे पेन ड्राइव में दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेयर के लड़के को अरेस्ट करोगे? पक्का सबूत है सर, चाहे किसी का भी लड़का हो, मिनिस्टर का भी लड़का हुआ तो क्या हुआ सर, असल में उस दिन क्या हुआ था इस पेन ड्राइव में सब सबूत है। ये कोई शॉर्ट फिल्म है क्या कि इसे देखकर ताली बजाकर अवार्ड दिया जाए? हम कुछ भी करें, किसी को भी अरेस्ट करें, लेकिन पूरे प्लान के साथ होना चाहिए। रेड हैंड क्रिमिनल मिलने के बाद अब प्लान की क्या जरूरत है सर? उस दिन पुलिस स्टेशन में आकर धक्का देकर अपने बेटे को छुड़ा कर ले गई, आज उसके सामने उसके बेटे को उठाकर थाने में डालेंगे तो पुलिस की पावर क्या होती है पता चलेगा उसे। अरेस्ट करने के लिए परमिशन दीजिए सर, जल्दी से जल्दी। ठीक है ठीक है, तुम्हारे जैसा ईमानदार पुलिस हर थाने में होना चाहिए, तुम्हें जो भी करना है आगे बढ़ो, गो अहेड। सर हरि के केस में गवाही देने वाला ऑटो ड्राइवर यही है सर। इसे देख के तुम्हें क्या लगता है? ऐसा लगा राजेश्वरी देवी अब कार के बजाय रिक्शे से चलेंगी सर। अरे बेवकूफ कहीं के, केस को गलत रास्ते पर लाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को बदल दिया तो ये ऑटो ड्राइवर कौन सी बड़ी चीज है, चला जा। नमस्ते साहब। बाद में मैं तुझे देखता हूँ। रुक जाओ। क्या क्लब समझ रखा है जो अपने ग्रुप को लेकर यहाँ ग्रुप डांस करने के लिए चले आए? मेयर राजेश्वरी देवी का ऑफिस है ये, चल हट। सॉरी मैडम, क्रिमिनल्स कहीं भी छुपा हो, चाहे क्लब, पब या फिर पब्लिक प्लेस हो। कौन है बे क्रिमिनल? मेरी परमिशन के बगैर मेरे ऑफिस में आए हो, क्रिमिनल तुम हो, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हो तो दोषी तुम हो। कौन है क्रिमिनल ये अभी पता चल जाएगा, अपने बेटे को बुलाओ जरा। क्यों बुलाऊं उसे? एक लड़की को बीच रोड पे चाकू से मारा है, पक्का सबूत है मेरे पास। कहां से लाए हो सारे सबूत? राज्य के कानून के हिसाब से लेकर आए हो क्या? किसी पत्थर पर लिखे हुए सबूत है जो कभी मिटाए नहीं जा सकते? सबूत कहते हो सबूत, क्यों बे? तुम लोग टीवी नहीं देखते हो? टीवी पे रोज दिखाते हैं रेप हुआ है, हत्या हुई है, उस हत्या के दाग को तो तुम लोग बड़े आराम से मिटा देते हो, कड़क नोटों को देखकर तो सारे सबूत भूल जाते हो और आज यहाँ मेरे ऑफिस चले आए हो सबूत लेकर। ऐसा कौन सा महान केस है तुम्हारे पास? एक एक करके
सारे रेप केस मर्डर केस बंद हो जाते हैं, उनकी समाधि बन जाती है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन मेरे बेटे को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है एक झूठे एक्सीडेंट केस में, सबूत लेकर मेरे सामने मेरे ऑफिस में चले आया। मैडम मैं यहाँ पॉलिटिकल भाषण सुनने नहीं आया हूँ। चला मेरे बेटे को सबूत के साथ अरेस्ट करने आए थी ना, क्या यही है वो सबूत? तुम्हें क्या लगा कि पहाड़ खोद कर नदी बहा दी है तुमने? ये सबूत लेकर आए? शराफत से बताइए मैडम, ये पेन ड्राइव आपको किसने दिया? चलाज मुझे भी अरेस्ट करोगे क्या? मैडम गंगाराम सर वो पेन ड्राइव, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है गंगाराम, राजेश्वरी देवी कानून के अनुसार चलती हैं, ये कोई तरीका नहीं है इनका अपमान करने का। सर बात ऐसा है कि तुम कुछ नहीं कहोगे, जाओ यहाँ से, मैं तुमसे ऑफिस में बात करूँगा। अरे तुम लोग आ गए? गए थे क्या हॉस्पिटल? गए थे क्या? मेरी श्रीषा को देखा क्या? वो कैसी है? ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगी यार, ठीक हो जाएगी यार। अच्छी है ना श्रीषा? हाँ अच्छी है ना यार। हाँ अच्छी है यार। मेरे बारे में पूछी क्या वो? हाँ पूछी ना इसके बारे में। हाँ पूछा ना यार। हाँ मेरे बारे में जरूर पूछेगी, मुझे पता है उसके बारे में। ए, ये मोटू ऐसे रो क्यों रहा है? श्रीषा हॉस्पिटल में जान के लिए तड़प रही है यार। बोलना श्रीषा को कुछ नहीं होगा, बोलना। इसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया है, कहते हैं लाखों का खर्चा होगा, कहाँ से लाऊं मैं? ये सब तुम्हारे हरी ने किया है, तुम्हारे दोस्त हरी ने किया है, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी शीशा की हालत बहुत खराब है, उस लड़की को बचाने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। सर श्रीषा मेरी जान है सर, उसे कैसे भी करके बचा लीजिए सर। जरूर बचा लेंगे, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा तुझे करना पड़ेगा। सर आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा सर, बस मेरी श्रीषा की जान बच जाए सर। तुझे जो भी करना है वो इसमें लिखा है, ले पढ़ ले और साइन कर दे। चाहते हैं ना सर? हेलो, आपको बहुत बहुत बधाई हो राजेश्वरी देवी जी, आने वाले इलेक्शन में पार्टी सत्ता में आ गई तो आपको होम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रियली? आज हाई कमांड मीटिंग में आपका ये नाम आगे किया गया है, बहुत बहुत बधाई आपको। ओह थैंक यू सर। लेकिन आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, अपोजिशन पार्टी वाले ही नहीं बल्कि अपने लोग भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। I will take this sir, जरूर। Thank you sir. Okay, ख्याल रखिएगा। नमस्ते मैडम। ये सब क्या हो रहा है? मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, मैंने उसका मुंह बंद कर दिया है, उसी लड़के ने उस लड़की को मारा है। ऐसा उसने बयान पर साइन भी किया है और कोर्ट में गवाही देने के लिए भी बोला है। तेरे कान में कहा है क्या? ऐसा क्यों बोल रही है मैडम? भूख लगने पर एक बात करते हो और भूख मिटने के बाद दूसरी बात करते हो, अगर हाथ में पैसा है तो एक बात और शराब की बोतल है तो दूसरी बात। सब लोग मेरी पार्टी के बारे में एक ही बात कर रहे हैं, इतने करोड़ कहाँ से आएंगे? आसपास के सारे पॉलिटिशियंस बिगड़ चुके हैं। अभी मुझे क्या करना चाहिए? मेरी बात ध्यान से सुनो, कोर्ट में उसका मुंह नहीं खुलना चाहिए, हॉस्पिटल में वो लड़की आंखें नहीं खुलनी चाहिए। ये कहानी अंधेरे में शुरू हुई है, अंधेरे में ही खत्म होनी चाहिए। ओके मैडम। अरे किसका फोन है ये? अरे कमिश्नर साहब, तुम्हारा सीआई थाने में है क्या? नहीं सर, वो सीआई जब तक आए उस लड़के को पुलिस स्टेशन में ही खत्म कर दो। ओके सर, आई विल डू इट। अरे अरे चलो चाय पिएगा क्या? सर कांस्टेबल चाय दो, बिस्किट भी देना, पी ले। ये क्या सर, चाय बिस्किट किस लिए? आज तेरा लास्ट डे है ना सर। अरे वही सुबह होते ही कोर्ट जाएगा ना, इसलिए
थाने में आज तेरा आखिरी दिन है ना सर। उस तरह से पकड़, बोलो रस्सी क्यों बांध रहे हैं? पकड़ ऊपर टांग। ये सब क्या हो रहा है सर? अरे तू खा ना। नहीं सर मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी इसे बता के नहीं, ठीक है मजबूत करना। सर मैंने सब कुछ मानकर साइन किया है सर। तू टेंशन मत ले। ये सब क्या है? ये सब क्यों कर रहे हैं सर? सर ये सब मत करो सर। मैंने सारी बात मान के साइन किया है सर। छोड़ो मुझे। श्रीशा देखो ना श्रीशा, श्रीशा 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 मेरी तरफ देखो श्रीशा, एक बार मुझे देखो श्रीशा, श्रीशा आंखें खोलो श्रीशा, श्रीशा आंखें खोलो श्रीशा, श्रीशा 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 मेरी तरफ देखो श्रीशा, मेरी तरफ देखो ना श्रीशा, श्रीशा मैं आया हूँ श्रीशा, तुम्हारा हरी, मेरी तरफ देखो श्रीशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ श्रीशा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता श्रीशा, श्रीशा एक बार मुझसे बात करो श्रीशा, श्रीशा Let's go.
तेरी तो गाड़ी क्यों नहीं चली, उतर के देख। जी सर। सर ये मोटर टायर पकड़ के बैठा है सर। हटाओ उसे वहां से। जानो इतनी जल्दी नहीं थकूंगा श्रीशा। इतना प्यार करते हो क्या मुझसे? तुम्हारे अलावा मेरा है कौन? माँ का प्यार कभी मिला नहीं, पापा को कभी देखा नहीं, कहाँ पैदा हुआ पता नहीं, कैसे बड़ा हुआ पता नहीं। मैं एक लावारिस था श्रीशा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा मैंने महसूस किया। भगवान ने सबको मुझसे दूर किया, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे सब कुछ दे दिया। तुमसे मुझे सबका प्यार मिलने लगा। ये प्यार तेरा है, ये जान तेरी है, ये सांसें तेरी है। सच कहूँ तो मेरी ये पूरी जिंदगी तेरी है श्रीशा, और तुम मेरी। इसीलिए तो तुम मुझे इतने पसंद हो। I love you, हरी। हरी रुक जा। मुझसे नहीं होगा श्री। बस हो गया हरी, हम कहीं जाकर मर जाते हैं। हम लोग इतने दूर बच कर आए क्या मरने के लिए श्री? ये लोग वैसे भी हमें जीने नहीं देंगे। इनके हाथों से मरने से अच्छा कि हम खुदकुशी कर लें। जी तो नहीं सकते, साथ में मर तो सकते हैं ना? नहीं श्री, हमें जीना है। मैं तो जिंदा रहूंगा ही और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा श्री। चलो मेरे साथ। क्या हुआ यार, वापस क्यों आया? क्यों भागने का भाई, क्यों डरने का और किस लिए डरने का? सूखे घास में आग लगाया तो वो तुरंत जल जाएगा यार, और मैं तो एक इंसान हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है? बताओ, मुझे डराने वालों को मैं नहीं डरा सकता। इसीलिए हम लोग इसी वक्त उनके पास जा रहे हैं। हरी तू बहुत गलत कर रहा है यार। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुका तो उन्हें और ज्यादा मौका मिलेगा। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरा प्यार भी जिंदा रहेगा, और अगर मैं मर गया तो हमारे जैसे लोगों के प्यार को तुम्हें बचाना होगा। तुम फोटो निकालोगे या वीडियोस बनाओगे ये मैं नहीं जानता। मेरे प्यार को हासिल करने के लिए मैंने जो कुछ भी किया वो सबको पता होना चाहिए। प्यार करने वाला गरीब भी सपना देखता है, एक झोपड़पट्टी में भी प्यार की कहानी बन सकती है। अगर तुम ये सब करने के लिए तैयार हो तो बोलो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और क्या, तो जाके मरना, शौक से जा। मरने वालों से हमें क्या लेना देना तो भाई? तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे। हम क्या करें, प्यार तुम दोनों ने किया है, इससे हमारा क्या संबंध हो गया? ए, क्या कहा, संबंध की बात करता है? तुम दोनों जो कर रहे हो उससे अच्छा की अपने हाथों से मुझे मार डालो। कैसी बातें कर रहे हैं तू? इतना मार खाया, खून भी बहाया, ये सब क्यों किया हमने? तुम्हारी मौत देखने के लिए, तुम्हारे लाश पर फूल डालने के लिए? क्या हम लोग भी तेरे साथ आएंगे और तेरे साथ ही मर जाएंगे? प्लीज यार, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम लोग मेरे लिए शुभ कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बारे में बस लोगों को बताओ। तुम लोगों की वजह से बहुत लोगों का भला हो सकता है, किसी और के साथ हमारे जैसा ना हो। प्लीज यार, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम लोग मेरा साथ दोगे या नहीं? ऐसी बात नहीं है। यही वो लड़का है मैडम, हरी। मैं कौन हूँ पता नहीं, मुझे कभी आपने देखा नहीं, फिर ये सब क्या है मैडम? आपके बेटे ने इस लड़की को चाकू से मारा। इस लड़की को बचाने के लिए उस गुनाह को मैंने कबूल किया। मेरे लिए ये 100 साल जिएंगे ऐसा मानकर जो गुनाह मैंने नहीं किया वो भी मान लिया। तो रातों रात पुलिस के द्वारा मुझे लॉकअप में मारने की कोशिश की गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इस लड़की को मारने की कोशिश की,
आप पुलिस और डॉक्टर मिलकर हम जैसे लोगों को मार डालोगे क्या? ये कैसा जंगल राज चल रहा है? हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, ये डिसाइड करने वाले क्या आप लोग हो मैडम? ए, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। मेरे सामने बड़े बड़े लोग बात करने से घबरा जाते हैं। तुम तो झोपड़पट्टी में रहने वाले, भंगार की दुकान में काम करने वाले मामूली से इंसान हो तुम। जंग खाया हुआ कील को कचरे में ही रहने देना चाहिए मैडम। पैर के नीचे डालोगे तो वो चुप जाएगा और उसी कील से सेप्टिक होगा और फिर पैर काटना पड़ेगा। तो जैसे हजार देखे हैं मैंने, लेकिन मेरे जैसे को फर्स्ट टाइम देखा होगा। अपना उड़ने का हद पार किया तो बड़े से बड़ा गिद्ध का भी पंख कट जाता है मैडम। धमकी दे रहा है मुझे? अभी तक तो तुमने धमकाया, तुमने डराया। भगवान ने शेर को पंजा दिया तो बाकी के जानवरों को सिंग दिए हैं। एक बार सिंग से मारा तो पंजा भी बेकार हो जाएगा। ए, मार डालो इसे। तुम लोग करते हो और अपने गुनाहों में हमें फंसाना चाहते हो। वैसे मुझे मारने की तुम्हें जरूरत क्या है मैडम? मैं कौन सा तुम्हारे घर की बेटी उठाकर भाग गया था जो आपने ये सब किया? ये जिंदगी हमारी है, ये प्यार हमारा है। क्या तुम बड़े लोगों के लिए कोई अलग कानून है क्या? क्या गरीब लोग बड़े लोगों से प्यार नहीं कर सकते? क्या हम जैसे गरीब घर की लड़की अमीर घर के लड़कों की इच्छा पूरी करने के लिए पैदा हुई है? अगर हमने कुछ उल्टा कह दिया तो क्या हम जैसे लोगों को मार डालोगे? आओ मारो मुझे। असल में हमारी मौत का डिसाइड करने वाले तुम होती कौन हो मैडम? मैं जीऊंगा, एक दिन के लिए जीऊंगा, अपने प्यार के लिए जीऊंगा, अपनी श्रीशा के लिए जीऊंगा। इंसान को जीने की हिम्मत तो प्यार ही देती है ना मैडम? आप लोग बड़े लोग हो, हमारी जिंदगी से मत खेलो। आपसे खेलकर हम जीत नहीं सकते, लेकिन हमसे मुकाबला करके आप जीत नहीं सकती। इस खेल को यहीं खत्म कर दो मैडम, खत्म कर दो। रुक बे, उधर ही रुक। कहाँ भाग रहा है बे? हमारे ही जगह में आकर हमें चूना लगाकर तू ऐसे ही भाग जाएगा क्या? अगर तुझे जाना ही है तो अकेले ही जा, उस लड़की को यहीं पर छोड़ के जा। Hey!
हरी 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 ए चल छोड़ मुझे चल जा 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 क्या बे मेरे ही सामने से आई लव यू बोलकर मेरा ही को हर्ट करेगी एक कचरा उठाने वाला मेरा इंसान करेगा हरी अब बोल हरी उठो अब बोल आई लव यू से बोल ना हरी लेकिन तू मेरे साथ सो जा ले चल अब देखता हूँ कौन भगवान तुझे बचाने आएगा बचाने के लिए हरिकृष्णा और श्रीशा की इस प्यार की जोड़ी को पुलिस के द्वारा गोली मरवाई ये देखकर पब्लिक बहुत गुस्से में प्यार करेंगी तो मार डालेंगी क्या हाँ ऐसा ही तो हुआ है अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते ऐसा क्यों नहीं कर सकते ऐसा करना गुनाह है क्या गरीब लोगों को प्यार करने का हक नहीं है क्या गरीब लोग प्यार करेंगे तो अमीर लोग मार डालेंगे क्या समाज बर्बाद हो गया है वो लोग प्यार क्या किए लोग उसे मार डालेंगे क्या तेरे बेटे को बोल प्यार में पागल हो गया वो प्यार में ऐसे लोग मारे जाते हैं क्यों जी प्यार करेंगे तो मार डालेंगे हम लोग तुम्हारे लिए नहीं आए हैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं बकवास बंद करो आवाज नीची करो जो कुछ भी यहाँ हुआ ना वो न्यूज चैनल में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है झोपड़पट्टी का एक लड़का तुम्हारी इज्जत नीलाम कर रहा है तुम्हारा पावर तुम्हारा स्टेटस सब कुछ बर्बाद कर दिया कचरा पट्टी में डाल दिया उसने अगर प्यार करने वालों के खिलाफ गया तो बड़े लोगों को हथकड़ी पहना रहे हैं हम क्या चीज है फिर ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा छोड़ दो उनको ठीक है भाई में कहीं भी प्यार पैदा हो सकता है लेकिन अंत में उस कहानी में दोनों अलग हो जाते हैं जब प्यार की कहानी का अंत खुशी से होता है तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती
लेकिन वही कहानी असफल हो जाए, हार जाए, तो इतिहास में उसकी चर्चा होती है। प्यार की कहानी में दो लोगों की जान जा सकती है, लेकिन वही प्यार की कहानी और लोगों के प्यार के लिए प्रेरणा बन जाती है। कई लोगों को प्यार करने का रास्ता मिल जाता है। प्यार को इनकार किया तो तूफान, लेकिन उसी प्यार को अगर स्वीकार कर लिया तो सारी दुनिया प्यार से भर जाएगी।